फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको इस कुर्ते को फिट करना बताने वाली हूँ। जैसे कि अगर आप कोई रेडीमेड कपड़ा लेते हैं, कुर्ता लेते हैं बाहर से, तो आप उसको घर पर ही कैसे फिट कर सकते हैं। देखिए, ये कुर्ता जब मुझे रिसीव हुआ था तो काफी ज्यादा लूज था और फिटिंग भी बहुत ही खराब लग रही थी, मतलब दिखने में भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। बट अब जब मैंने इसे फिट कर लिया है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, तो अब देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है और बिल्कुल अच्छे से हमारी ये फिटिंग भी बैठ गई है। तो अब मैं आपको इसे फुल ट्यूटोरियल दिखाने वाली हूँ कि आप इसे कैसे फिट कर सकते हैं, यानी कि घर पर ही कैसे बहुत ही आसान मेथड से इसे कैसे फिट कर सकते। कंधे वगैरह भी बहुत ज्यादा गिर रहे हैं मेरे, तो मैं इसे आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगी कि इसे हमें कैसे कटिंग और स्टिचिंग करना चाहिए। तो उस पर काफी ज्यादा कॉमेंट्स आए थे कि हमारे ये कंधे गिरते हैं तो हम उसको कैसे ठीक करें। तो या आज मैं आपको इन सभी को ध्यान में रखते हुए, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, तभी मैं आपको ये कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कुर्ते को देखिए, सबसे पहले मैंने ये उल्टा करके रख लिया है यहाँ पर, और ये देखिए साइड से कुछ इस तरीके से है और ये काफी ज्यादा लूज है इसकी फिटिंग मेरे। तो देखिए, बिल्कुल बीचों बीच में से आपको इस तरीके से कपड़े को पकड़ना है, जो भी आपका सूट है उसको पकड़ना है, और बिल्कुल सेंटर से इसको आपको फोल्ड कर लेना है। बाजू वाले हिस्से आपको इस साइड की तरफ रख देने हैं, आपको कंधे से कंधा मिला लेना है इस तरीके से, और नीचे वाली साइड से देखिए जो आपके आर्महोल है, आर्महोल से आपको आर्महोल को मिला लेना है, और यहां पर भी आपको बिल्कुल देखें इस तरीके से, ये वाले जो साइड है, ये वाले साइड बिल्कुल मिलाते हुए रखने हैं इस तरीके से। कुर्ते को बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करते हुए देखिए हमने बिछा लिया है, बिल्कुल अच्छे से हमने इसे बिछा लिया है। अब आप अपने नाप की कोई भी कुर्ती ले लीजिए जिसकी फिटिंग वगैरह आपके बिल्कुल ठीक हो। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल एक नाप की ये कुर्ती ले ली है, इसको भी बिल्कुल सेंटर से आपको देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, जैसे हमने अपने इस वाले कपड़े को फोल्ड किया था वैसे ही। ध्यान रखिए कि आपको ऐसी कुर्ती लेनी है जिसकी फिटिंग आपके बिल्कुल ठीक रहे, या फिर जिसकी भी आप कुर्ती बना रहे हैं उसकी फिटिंग आपको बिल्कुल ठीक रखनी है। इसके भी आपको आर्महोल वगैरह मिला लेने हैं, कंधे वगैरह बिल्कुल अच्छे से मिला लेने हैं। बाजू को इस साइड की तरफ रख देंगे, बिल्कुल बीचों बीच में से देखें हमने इसे फोल्ड कर लिया है, ये वाले साइड भी बिल्कुल वैसे ही हमने बिछा लिए हैं। अब इसको हमें क्या करना है, ऊपर से बिल्कुल मिलाते हुए देखें, कंधे वाली साइड से बिल्कुल मिलाते हुए हम इसको रखेंगे। देखिए, अब इस यहाँ पर हम फिटिंग के निशान लगाएंगे और ये हमारी आर्महोल वाली लाइन हो जाएगी। आर्महोल की लाइन हमने बना ली है। अब नीचे वाली साइड की तरफ देखें, जो आपकी फिटिंग का निशान है वहां पर हमें इस तरीके से निशान लगाना है। ये हमने इस कपड़े को सीधा करके ही रखा है, बिल्कुल हमारे एग्जैक्ट निशान आएंगे गाइस। पूरा नीचे तक ऐसे ही हमें इसी को ध्यान में रखते हुए एक सीधी लाइन बना लेनी है। पूरा नीचे तक देखिए हमने निशान लगा लिया है। अब हम अपनी कुर्ती को हटा लेंगे और जो निशान है आपके देखिए, ये आपको निशान मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हमें अपने आर्महोल के लिए लाइन बनानी है, तो देखिए आर्महोल के लिए इस तरीके से आपको थोड़ा सा यहाँ पर गोलाई देनी होती है, और ये जो गोलाई हम दे रहे हैं ये करीब हमारी एक इंच की आएगी। अब ध्यान रखिए कि हम अपना फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों एक साथ कट कर रहे हैं, तो अपने बैक वाले आर्महोल की गोलाई भी हम दे देंगे, जो कि आधा इंच थोड़ी सी ज्यादा रहती है हमारे फ्रंट वाले आर्महोल से। तो ये देखिए हमने आर्महोल की भी निशान लगा लिए और हमने ये हमारी फिटिंग के भी निशान लगा लिए। अब यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के निशान लगाने हैं, तो एक्स्ट्रा मार्जिन हम यहाँ पर लेंगे करीब डेढ़ डेढ़ इंच का। सारे निशानों को लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ध्यान रखिए कि हमने जो बैक वाला आर्महोल ड्रॉ किया है, पहले हम इसी को कट करेंगे, बाद में फ्रंट वाले पार्ट को अलग करने के बाद हम अपना आगे का आर्महोल कट कर लेंगे। निकाल लेंगे, उसके बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अपनी दोनों स्लीव्स को हम यहाँ पर सिंपली ये जो हमारी सिलाई लगी होती है इसको खोलेंगे और अलग कर देंगे।
अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, देखिए अपने चेस्ट, वेस्ट और हिप वाले पार्ट पर। इससे क्या होगा, आपके फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों मिलते हुए रहेंगे। अब देखिए इसको आप खोल लीजिए और जहाँ पे हमने फिटिंग का निशान लगाया हुआ है उसको आप थोड़ा सा डार्क कर लीजिए। इसको हम अपनी दूसरी वाली साइड की तरफ भी ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए आप इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड की तरफ हल्का हल्का से इस तरीके से टैप करेंगे और दूसरी साइड की तरफ देखिए निशान आ जाएगा। अब इसको भी आप गहरा कर लीजिए तो दोनों साइड की तरफ आपका जो फिटिंग का निशान है वो आसानी से लग जाएगा। अब इसी के ऊपर आपको क्या करना होगा, सिलाई चलानी होगी। अब इसमें से हम अपने फ्रंट पार्ट को अलग कर लेंगे और इस तरीके से इसको देखिए मिलाते हुए रखेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारा फ्रंट वाला आर्म होल है उसको थोड़ा सा गहरा करना होता है, क्योंकि हमारा आगे का जो आर्म होल होता है वो गहरा होता है और बाजू का भी आगे का आर्म होल आपका गहरा होता है। तो कुछ नहीं, केवल आधा इंच जो हमने निशान लगाया था उसी पर आपको कटिंग कर लेनी है। देखिए हमने स्लीव्स का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था ऊपर की साइड से वो हमने सिलाई खोलकर हटा दिया है और इसमें आपको कोई भी कटिंग नहीं करनी है। इसको हम सिलाई करते वक्त ही हमारा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा उसको हम कट कर देंगे। तो ये ऑलरेडी हमारी कटिंग हो रखी है और हमने दोनों साइड्स पर निशान भी लगा लिए हैं। अब ये जो हमने फिटिंग के निशान लगाए हैं इसी पर हमें सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड्स पर। उसके बाद में चाक को फोल्ड कर लेंगे। यहाँ तक सिलाई चलाने के बाद अब देखें बूट को हम ऊपर कर देंगे और सुई हमारी कपड़े के अंदर ही है। अब इसको आपको देखें इस तरीके से घुमा लेना है पूरे कपड़े को और यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए एक सिलाई और लगाएंगे। देखिए ये सिलाई लगाने पर आपको, अगर आपका ये कुर्ता टाइट भी होता है कभी, तो आप ये वाली एक सिलाई खोलकर इसको दोबारा से पहन सकते हैं। आपको बार बार सिलाई लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक पैर की सिलाई हम ये वाली सिलाई लगाते टाइम ही लगा लेंगे, जिससे कि कभी ढीला या टाइट हो तो ये बिल्कुल अच्छे से भी फिट आ जाए। दोनों साइड्स पर देखिए ये हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हम नीचे अपनी चाक फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम सिलाई वाली ही अपनी चाक बना रहे हैं। अगर आप तुरपाई वाला बना रहे हैं तो आप इसको चौड़ा मोड़िए, बट यहाँ पर मैं पतला मोड़ूंगी। देखिए इस तरीके से एक बार और दो बार हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई भी मैंने छोटी रखी हुई है क्योंकि हम सिलाई वाला ही कुर्ता बना रहे हैं, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल का इसे बना रहे हैं हम। तो इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे अपने चारों पल्लों पर। सो फ्रेंड्स ये देखिए हमने साइड की फिटिंग के स्टिच भी लगा ली है और नीचे के हमने चाक भी बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लिए हैं। अब केवल और केवल हमें यहाँ पर इसकी बाजुएं अटैच करनी है। तो यहाँ पर हम गोलाई में ही बाजू अटैच कर रहे हैं। बाजू लगाने के लिए सबसे पहले आपको आर्म होल नापना होता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से आर्म होल को नापेंगे। देखिए इंच टेप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए जो भी आपके आर्म होल की शेप है वहीं पर लेकर जाएंगे और इस तरीके से आपको नापना होता है आर्महोल। तो यहाँ पर हमारे पास करीब आ रहा है ये 8.5 इंच। तो इतना ही हमें अपनी बाजू पे भी रखकर बाजू को कटिंग करना होगा। देखिए यहाँ पर मैंने ये बाजू ले ली है जो कि ऑलरेडी कटिंग हो रखी है, बट यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले आर्महोल का निशान लगाएंगे। देखिए आर्महोल हमारे पास आ रहा है करीब 8.5 और 9.25 इंच तक आ रहा है। तो यहाँ पर मैं 9.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे, ऐसे आपको रखना है और ये आपको इस तरीके से निशान लगाना होता है। ये हमारा 9.25 इंच आ जाएगा और नीचे की तरफ हम जो भी आपका ये गोलाई आ रही है बाजू की, यहाँ पर हमारे पास 5 इंच है। ये पूरी टोटल हमारी आ जाएगी 10 इंच खुलने के बाद। तो ये हमारी देखिए 5 इंच इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को हमें अपने जो हमने अभी आर्म होल की तरफ निशान लगाया है वहाँ तक आपको इस तरीके से मिला देना है और यहीं पर हमें सिलाई लगानी है। उसका सा एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर हम कपड़े को कट कर देंगे।
दोनों बाजुओं को देखिए, हमने स्टिच करके जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट कर दिया है। अब इसको हम अपनी कुर्ते के साथ अटैच करेंगे। तो ये देखिए, इसको हम क्योंकि गुलाई में अटैच कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको अलग से यहाँ पर दिखा रही हूँ कि हम इसे कैसे अटैच करेंगे। कुर्ते का देखिए, ये जो फ्रंट वाला पार्ट है वो हमारे थोड़ा गहराई में कटिंग हो रखा है, और स्लीव्स का भी जो ये वाला पार्ट है, ये वाला हमें थोड़ा सा गहराई में कटिंग करना होता है। अब ये जो दोनों गहराई वाले पार्ट हैं, ये आगे की साइड की तरफ आते हैं। देखिए, इस तरीके से आपको हाथ इसके अंदर डालना है अपने कुर्ते के अंदर, और जहाँ पर ये हमारी सिलाई का ये आ रहा है, सिलाई का जो निशान है ये आ रहा है, उसी पर आपको इस तरीके से पकड़ना है, और यहाँ पर हमें बाजू को भी उसी निशान से पकड़ना है। अब निशान से निशान बिल्कुल मैच करते हुए आपको इस तरीके से पकड़ लेना है। ध्यान रखिएगा कि हमें यहाँ पर कैसे कपड़े को रखना होता है, वरना आपको गलती हो सकती है आपसे यहाँ पर। तो देखिए, इस तरीके से हमने पकड़ लिया। अब ये जो बाजू, ये जो कुर्ता है, इसको हम इस तरीके से निकाल देंगे और इसको पकड़ के ही रखेंगे। अब यहाँ पर देखें, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजीली हो जाता है। दोनों को मिलाएंगे कपड़ों को, और यहाँ पर हम पूरे में गोलाई में सिलाई लगाएंगे। दोनों स्लीव्स भी अटैच कर ली हैं और बिल्कुल परफेक्ट आ गई हैं हमारी स्लीव्स। इस तरीके से लगने के बाद ना काफी अच्छी लगती हैं बाजुएं, और हमने अपनी फिटिंग भी कर ली है, और यहाँ पर देखें साइड के चाक वगैरह भी बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लिए हैं। और अगर आपको कुर्ते की लंबाई छोटी करनी है, तो देखिए यहाँ पर से हमने इसको काटा नहीं था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। अगर आपको लंबाई छोटी करनी है तो आप यहाँ से इतना, जितना आपको कट करना है उतना आप काट कर इसको नीचे से भी मोड़ सकते हैं। जैसे हमने इसकी चाक मोड़ी है, वैसे ही आप इसके बॉटम को भी फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए, इसी तरीके से आप घर में ही अपनी कोई भी कुर्ती रेडीमेड खरीद के लाते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से इसको फिट कर सकते हैं। अगर आप किसी टेलर के पास जाएंगे तो वो 100 या फिर 200 से कम बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। तो या आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, खुदा हाफिज़।